गाइस, हम आ चुके हैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। एंड ये अनबॉक्सिंग होने वाला है विजार्ड मिराज फेफनियर का। मैं विजार्ड फेफनियर बोल रहा हूं, सो सॉरी। ये फ्लेम ब्रांड का मिराज फेफनियर है। ये ब्रांड बस स्पार्किंग या सर्च का बे है एंड काफी ज्यादा अच्छा बे है। तो आइए देर न करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले कट करेंगे उसके बॉक्स के सिरे पे उसको। ये बॉक्स कट हो गया, कोई बात नहीं गाइस। ओके, सो इसका रिप कोड कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। सो नाइस, ये इसकी इसका बे ब्लेड एंड ये इसका लॉन्चर एंड ये इसके स्टिकर्स। सो बॉक्स साइड में रखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। सो गाइस, हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं इसके अंदर। ये एक बेसिक सा LR लॉन्चर है क्योंकि ये एक लेफ्ट स्पिनिंग बे है उसके लिए। तो हम इसको एक मिनट के लिए अभी साइड में रखते हैं यहाँ पर। ये इसका ड्राइवर, ये नथिंग ड्राइवर है। इसको नथिंग ड्राइवर बोला जाता है क्योंकि ये कुछ इस टाइप का है। पता नहीं इसे नथिंग क्यों बोला जाता है, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये स्प्रिंग लगा हुआ ड्राइवर। जैसा कि आप देख सकते हो स्प्रिंग लगा हुआ अंदर बार होता है। नाइस, इसे हम यहाँ पर रखते हैं। ये इसकी चैशी, ये तीन जो पार्ट होते हैं टकराटोमी के ओरिजिनल बे में रबर के होते हैं जो कि अटैक ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसमें तो प्लास्टिक का ही है, हार्ड प्लास्टिक का, तो अच्छा है। ये इसका फेस बोल्ट बोल रहा हूँ। ये इसका बिट चिप, एनर्जी चिप, फेफनियर का जो बोल लो। ये इसकी पहली लेयर फेफनियर की, मिराज लेयर बोलते हैं इसको। तो ये बनता है मिराज फेफनियर 2S नथिंग, इसका नाम है। सो आइए हम इसको असेंबल करके आपसे मिलते हैं। सो या गाइस, ये हमारा वेबलेट रेडी हो चुका है। गाइस, इसके दो मोड्स होते हैं, आपको मैं अगर बता दूं अच्छे से तो। उसके लिए हम इसको ड्राइवर को पहले निकालते हैं। एंड ये जो तीन ब्लेड्स इसके चैशी में थे, इसके तीन ब्लेड्स जो इसके एनर्जी लेयर में है, वो दोनों ओवरलैप करते हैं तो होते हैं एब्जॉर्ब मोड। एंड इसी को अगर हम इसके चैशी को ऐसे निकाल दें थोड़ा ताकत लगा के, एंड इसको जैसे कि ब्रेव वैल्करी में आपने देखा था, इसको कुछ इस तरह से लगा दें कि ओवरलैप ना करके एक दूसरे से आगे आ जाए, तो ये होता है इसका अटैक मोड। तो या गाइस, इतना ही था इसके मोड में। इसकी गिमिक केवल इतना ही है। एंड इसका एक और गिमिक है, बट वो बैटल में डिपेंड करता है लॉन्च स्पीड पर, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। सो वीडियो में बने रहें। तो हम इसको अभी के लिए रखते हैं एब्जॉर्ब मोड पर एंड इसके ड्राइवर को करते हैं सेट। एक लेफ्ट स्पिनिंग बे है तो राइट में रख के लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। एंड आइए इसका हम एक टेस्ट लॉन्च करते हैं, ये टेस्ट स्पिन करते हैं। हमारा स्टेडियम जुगाड़ वाला रेडी है। हम इसी के लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों इसके स्पिन में, जो कि लेफ्ट साइड में सेट किया है मैंने। एंड यस, इसको टेस्ट स्पिन करेंगे। हाँ, अब मैं बता दूं इसका ड्राइवर का जो गिमिक है ये, अगर इसको जितना ज़्यादा स्पीड से लॉन्च करेंगे, जितना ज़्यादा आरपीएम जनरेट होगा, उतना स्टेडियम के अपोजिट टक्कर पड़ने के बाद ये अंदर चल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अंदर चल जाता है, तो ये हो जाता है अटैक मोड में। ये काफ़ी तेज़ घूमने लगता है स्टेडियम में, और स्लो लॉन्च करेंगे तो ये एग्जर्ट करके रिफ्लेक्ट कर देगा तो बाहर निकल जाएगा, तो फिर से स्टेमिना मोड में आ जाएगा अपने। एक बैलेंस टाइप वेबलेट है बेसिकली बोल सकते हैं ये। तो हम इसका एक टेस्ट स्पिन करते हैं, स्लो ही लॉन्च करेंगे फ्रेंड्स, ज्यादा तेज करेंगे तो बाहर चल जाएगा ये। 3, 2, 1 गो। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा स्टेमिना एंड बैलेंस का कॉम्बिनेशन मिल रहा है इस वेबलेट के साथ हमें। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वेबलेट हमें जरूर बताइएगा। एंड इसके साथ हम फाइट आगे जरूर लेके आएंगे, फिलहाल तो अनबॉक्सिंग है। सो इसे हम रोकते हैं एंड वीडियो को फिनिश करते हैं। तो या गाइस, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड कमेंट कीजिएगा, अच्छा हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए अनबॉक्सिंग और मेटल वाली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।